क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हमारे पास हमको एक क्यूब दे रखा है, दिख रहा है आपको एक क्यूब दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये क्यूब बना लेता हूं मैं जो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, वैसे तो इजीली बता सकते हो आपको, फिर भी बना लेते हैं। हमें पता है ये ए दिया हमें, ये बी दिया, ये सी, ये डी, उसके बाद ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। अब उसने क्या क्या डिस्टेंस पूछी है, किसके और किसके बीच की, पहली डिस्टेंस ए बी, दूसरी उसने पूछी ए सी, तीसरी उसने पूछी ए जी। अब देखो ए बी कहा है, ए बी ए री, ए बी क्या है, एज लेंथ ही तो है, एज लेंथ है हमें पता है। अगर एज लेंथ में ए मानते हैं हमेशा, तो ए बी डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब, ए ए सी, ए सी ए जो एज लेंथ है वो है 0.7, सॉरी 0.574
डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पोटेशियम न्यूक्लियाई, जो सबसे पास एटम होते हैं उसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, उनके नाभिकों के मध्य की दूरी निकालनी है। अब यहां पर ये देखो, ये पूरा का पूरा है ना बाउंसर है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे सुनना, अगर थिंकिंग डेवलप हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो एफसीसी की स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉर्नर पे एटम, ये भी कॉर्नर पे, और एक क्या होता है फेस पर मिड में, ये न्यूक्लियस इसका मान लो, ये न्यूक्लियस इसका मान लो, और ये न्यूक्लियस इसका, और एक ये एटम, और एक ये एटम। अब सुनना, टू नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, अब यहां पर देखो क्या ये कॉर्नर और कॉर्नर वाला क्या नियरेस्ट एटम है क्या, ये देखो बीच में क्या पाया गया। एफसीसी में हमें पता है जो कॉर्नर्स वाले एटम है वो दूर दूर होते हैं, ध्यान रखना एफसीसी में जो कॉर्नर्स वाले एटम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन ये फेस वाला एटम इससे क्या हुआ है, चिपका हुआ है। अगर ये फेस वाला एटम इससे चिपका हुआ है तो हमें पता है यहां से यहां तक की वैल्यू आर, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी आर, तो इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई भाई साहब, ये निकल के आई मेरे पास 2R। तो दो नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मेरे पास क्या आई 2R। ये हमें फाइंड आउट करनी है 2R की वैल्यू, ध्यान रखना हमें फाइंड क्या करना है, टू नियरेस्ट एटम न्यूक्लियाई डिस्टेंस जो कितनी होती है भाई साहब 2R। अगर आपके पास R की वैल्यू है तो आप 2R क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर क्या करता हूं भाई साहब, R और A के बीच जो रिलेशन होता है एफसीसी में क्या होता है, A रूट 2 अपॉन 4, A कितना है 0.574 इनटू रूट 2 अपॉन 4, ये R की वैल्यू, 2R चाहिए तो क्या करूंगा इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और करूंगा, कर देता हूं डिस्टेंस जो हमें फाइंड, अभी आर नहीं है अभी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई करवाई आर 2, ये पूरी पूरी वैल्यू यहां रखी 0.574 इनटू रूट 2 अपॉन 4, ये 2 की टेबल से 2 टाइम्स, ये रूट 2 टाइम्स, तो क्या बचा मेरे पास, यहां पर बचा 0.574 अपॉन रूट 2। अब रूट 2 का डिवाइड करो, रूट 2 का डिवाइड करने का मतलब क्या है 1.414। देखो आप लोग कुछ वैल्यूज याद रखना, जैसे रूट 2 रूट 3 की वैल्यू, ठीक है, रूट 2 की कितनी होती है 1.414, रूट 3 की कितनी होती है 1.732, तो ये दो वैल्यूज तो याद रख ही लेना हमेशा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम मैं इसको सॉल्व करूंगा इससे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.405। तो क्या हुई, इन दो एटम्स जो सबसे पास में उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो इस तरीके से यहां पर जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक डेवलप करेंगे आपका। इससे आगे जो मैं अब जो लेक्चर्स आएंगे उनमें मैं और भी आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका माइंड डेवलप होगा। देखो मेरा काम है सिर्फ माइंड डेवलप करना, रटाना नहीं है किसी चीज को, माइंड डेवलप थिंकिंग डेवलप करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो।